दिन दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो आज यहाँ पर अपन को पढ़ना है रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपने जो है हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस नहीं की है तो ये पीडीएफ अभी मात्र आप सभी के लिए ₹100 में आप सभी को मिल जाएगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक, 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। अब अपनी जो है लाइव क्लास में पूरी चलेंगी निरंतर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वह ग्रंथ बताना है सूरसागर, बीजक या फिर पद्मावत या बिहारी सतसई। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं? तो 114 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, आनंद जी, पारो जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो डी वाला विकल्प, बिहारी सतसई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिहारी सतसई यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कभी नहीं माना है? कौन है वह? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है जिन्होंने बिहारी को कभी नहीं माना। मिश्र बंधु, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियसन, क्या होगा आप सभी का सही आंसर बताइएगा? कौन है जिन्होंने बिहारी को कभी नहीं माना है? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 15 में आप सभी का सही आंसर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कभी नहीं माना है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, बिहारी किस कोटि के कवि हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा बिहारी किस कोटि के कवि? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर यहाँ पर ये सभी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी बी वाला विकल्प चयन किया, रीति सिद्ध, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीति सिद्ध आप सभी का सही आंसर है। सभी की क्लास अच्छे तरीके से चल रही है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। और बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है बताइएगा? 17 में दरबारी संस्कृति, राम काव्य, फारसी कविता का या फिर कृष्ण काव्य का? क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर चयन करिएगा। नवीन जी, दिव्यांशु जी, पुष्पराज जी, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है? तो 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, फारसी कविता का। फारसी कविता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फारसी कविता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 18वां क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। लाल कवि, कृष्ण कवि, मिश्र बंधु, लल्लू जी लाल, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। और कमला जी, प्रमोद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 18 बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 18 में लल्लू जी लाल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर लल्लू जी लाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है? 19 में बताना है, कृष्ण कवि, भारतेंदु, रत्नाकर या फिर कवि रत्न ने? बताइएगा, चयन करिएगा। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है? 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भाई, लिखा है कि इन्होंने विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर, कृष्ण कवि यहाँ पर सही आंसर होंगे कि बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है? तो कृष्ण कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार बताना है। लल्लू लाल है, कृष्ण कवि है, आनंदी लाल है, मिश्र बंधु है। क्वेश्चन नंबर 120 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, क्या होगा 120 में आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार आप सभी के लिए यहाँ पर संजू जी चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर 120 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है, कृष्ण कवि। कृष्ण कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। कृष्ण कवि आप सभी का सही आंसर है। बिहारी सतसई की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू जी लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर या आनंदी लाल शर्मा? क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर, बिहारी सतसई की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बिंदु जी, MS वर्मा जी, गोलू जी, मोहित जी, 21 में आप सभी का सही आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी सतसई की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर यहाँ पर सही आंसर होंगे, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पुष्पराज जी गांव गए थे, बताया था आप सभी के लिए, क्लास में बताया था, रात वाली क्लास में बताकर गए थे आप सभी के लिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया, बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार हैं, कौन माने जाते हैं? गिरधर कवि राय है, महाराजा मानसिंह दुजदेव हैं, सत्यनारायण कवि रत्न है या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। सीताराम जी, क्या होगा सही आंसर, बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 22 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, मुक्तक, प्रबंध, चंपू या प्रशस्ति? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 23वां क्वेश्चन है और 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सभी लोग मुक्तक बता रहे हैं, विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मुक्तक यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, मुक्तक यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है, बताइएगा, चयन करिएगा। आनंदीलाल शर्मा, मुंशी देव प्रसाद, प्रियतम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कृष्ण कवि? बिहारी की दोहा का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है, बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प, मुंशी देवी प्रसाद प्रियतम यहाँ पर सही आंसर होंगे। मुंशी देवी प्रसाद प्रियतम जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं रूपम जी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 500 दोहे, 600 दोहे, 700 दोहे, 905 दोहे, 713 दोहे यहाँ पर है, यहाँ पर 610 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, ये आप सभी के लिए 125 में यहाँ पर चयन करना है, 125 में आप सभी का सही आंसर होगा, बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 713 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कहीं कहीं आपके लिए 719 भी मिलते हैं और कहीं कहीं 723 भी मिलते हैं, अगर विकल्प में 713 है तो 713 आपका सही आंसर है। बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे सिंगारिक हैं? सिंगारिक दोहे पूछ लिए गए हैं, 300, 400, 500 या 600? क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 26 में आप सभी का यहाँ पर बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे सिंगारिक हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लगभग, इसमें आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे सिंगारिक हैं, तो 600 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लगभग 600 दोहे, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? 27 में बताइए, राधा चरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या हरिओद। क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर बताइए, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, ये वाला विकल्प, राधा चरण गोस्वामी यहाँ पर सही आंसर है। राधा चरण गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वीनू जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोगता मात्र किसने कहा है? जॉन गिलक्राइस्ट, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स, डॉक्टर ग्रेसन या मैक्स मूलर। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोगता मात्र किसने कहा है? तो 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये कहा है कि उन्होंने, विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रेवरेंड एडविन ग्रीप्स। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, रनत भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु राजा जयसिंह के यश का वर्णन किया है, वसंत ऋतु का वर्णन या फिर विरही नायिका का वर्णन किया है? कि रनत भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया? 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राकेश जी और नामवर जी, 29 में आप सभी का सही आंसर है कि इन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वसंत ऋतु यहाँ पर सही आंसर है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी से? 30 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। ध्रुपद गायन का संबंध आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ये आप सभी लोग चयन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइएगा सभी लोग, क्योंकि वहां पर लाइव क्लास के लिंक आपके लिए भेज दी जाती है टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम में जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है ब्रज, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 31वां क्वेश्चन है, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? 131 में बताना, रामचंद्र शुक्ल, पद्मसेन शर्मा, डॉक्टर नामवर सेन, डॉक्टर शिवदान सेन चौहान। क्वेश्चन नंबर 131 में यहाँ पर सही आंसर बताना है, बताइएगा। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है, किन्होंने कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर 131 में सही आंसर है, ये कहा है पद्मसेन शर्मा ने, पद्मसेन शर्मा आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पद्मसेन शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 132 है, रीतिकालीन कवियों और प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कौन है? अद्वितीय कवि बताना है, बोधा है, बिहारी है, सेनापति है या फिर मतीराम है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पर 132 में, 132 में आपका सही आंसर है सेनापति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे सेनापति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प जो है, मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सेनापति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 133वां क्वेश्चन, श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 133 में बिहारी है, घनानंद है, आलम है, सेनापति है, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है? और आप सभी का सही आंसर है सुधीर जी, अंश जी, 33 में आप सभी का विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है सेनापति, सेनापति यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? देव, घनानंद, सेनापति या रसलीन से? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34, और 34 में रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 34 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है देवकवि, यहाँ पर सही आंसर, रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? देवकवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे सरोज में कबीर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? कितने ग्रंथों का, 70, 72, 20 या फिर 22? 35 में यहां पर चयन करना है, सबसे सरोज में कबीर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? तो आप सभी का सही आंसर है, सबसे सरोज में कबीर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? 35 में आप सभी का सही आंसर, 72 यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, 72 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 36 है, कबीर देव का वास्तविक नाम क्या है? कबीर देव का वास्तविक नाम देवसेन, देव कुमार, देवदत्त, देवशरण, इनमें से चयन करना है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें। कबीर देव का वास्तविक नाम पूछ लिया गया है और 36 में आप सभी का सही आंसर है, इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। देवदत्त आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, देवदत्त यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि कौन है? क्वेश्चन नंबर 137 में सही आंसर बताना है, देव है, बृंद है, आलम है, मुबारक है, इनमें से नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बातें नहीं करना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर देव यहाँ पर सही आंसर है 37 में, ये वाला विकल्प सही आंसर है। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? सुख सागर तरंग, मतिराम, देवकवि, विकारीदास, भूषण, क्वेश्चन नंबर 38 में यहां पर चयन करना है, 38 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 68, सॉरी 38 में सही आंसर बताना है और 38 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ है सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो देवकवि माने जाते हैं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, देवकवि यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतिराम ठाकुर, पद्माकर या फिर बोधा? 39 में चयन करना है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए। गंगा लहरी किन की रचना मानी जाती है? तो सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गंगा लहरी रचना किन की है? 39 में पद्माकर आप सभी का सही आंसर, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पद्माकर। देव की विषय में कौन सा कथन असत्य है बताइएगा? कबीर देव रीतिबद्ध कवि हैं या फिर ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे हैं? इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, इन्होंने नायिका भेद का वर्णन नहीं किया है। 140 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 40 में, आप सभी का यहाँ पर इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया, ये कथन असत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। हिंदी में नायिका वेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले कवियों में आचार्य देव जो हैं इनका नाम सर्वोपरि माना जाता है, तो डी वाला विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की है? भाव विलास, रस विलास, जाति विलास, नीति शतक, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। निशा जी, देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की है? 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 41 में आप सभी का सही आंसर होगा, इन्होंने सबसे पहले भावविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, भावविलास यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है, कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार बनने से रोकता है बताइए? चमत्कार प्रदर्शन, काव्य शास्त्र, मत विवेचन में विरोधाभास, परंपरागत मान्यताओं का समर्थन या विषय की विविधता? क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर बताना है वह कौन सा कारण है जो देव को अधिक प्रभावशाली आचार बनने से रोकता है? तो आप सभी का यहाँ पर 42 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि काव्य शास्त्र, मत विवेचन में विरोधाभास, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है,
बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर है 43। साहित्यानंद किसकी रचना मानी जाती है? साहित्यानंद, ये रचना देव कवि, वृंद कवि, ग्वाल कवि, गोप कवि, 143 में यहाँ पर चयन करना है, बताइए। साहित्यानंद किसकी रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर 143 में आप सभी का सही आंसर है, 143 में ग्वाल कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ग्वाल कवि यहाँ पर सही आंसर है। रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं? छंद विवेचन, गुण विवेचन, शब्द शक्ति विवेचन, रस विवेचन, 44 में यहाँ पर चयन करना है, तो 44 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर दीप्ति जी, कुमुद जी? रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं? तो 44 में आप सभी का सही आंसर है रस विवेचन, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रस विवेचन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रस निधि का वास्तविक नाम था? पृथ्वी से है या फिर पूरन से है, देवदत्त या रसिक रंजन? 145 में यहाँ पर चयन करना है, रस निधि का वास्तविक नाम क्या था? 145 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है रस निधि का वास्तविक नाम, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वी से है, पृथ्वी से है, ये वाला विकल्प जो है मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पृथ्वी से है राजन जी, ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। रतन हजारा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रतन लाल है, रस निधि है, आलम है, भिखारी दास है? 46 में आप सभी के लिए सही आंसर, रतन हजारा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लाइक नहीं किए गए, किए हैं सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और रतन हजारा के रचनाकार माने जाते हैं कौन? रस निधि, विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, रतन हजारा के रचनाकार रस निधि माने जाते हैं, कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है रतन हजारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात कौन है? बताइएगा, पजनेस है, बिहारी है, दुजदेव है, सेनापति है? 47 में सही आंसर चयन करना है, रीति सिद्ध पूछा है, रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 47 में बताना है, तो 47 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, दुजदेव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दुजदेव आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आलंकृत मातबनल कामकंदला की भाषा क्या है? भाषा है खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए चयन करना है, मातबनल कामकंदला की भाषा क्या है, भाषा बताना। 148वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 148 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मातवनल कामकंदला की भाषा क्या है ये बताना है, तो अवधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, अवधि आप सभी का सही आंसर। अंशु जी, खंड काव्य श्याम सनेही के रचनाकार कौन माने जाते हैं? श्याम सनेही, 49 में चयन करना है, आलम, बोधा, घनानंद, सेनापति, बताइए। खंड काव्य श्याम सनेही के रचयिता कौन माने जाते हैं? 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 49 में आप सभी का सही आंसर होगा ये वाला विकल्प आलम, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आलम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, इश्कनामा जो बिरही सुभान दंपत्ति विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इश्कनामा, बताइएगा, आलम, बोधा, मुबारक, रसलीन, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है, और 50 में आप सभी का सही आंसर होगा, प्रेम शंकर जी, सतीश जी, प्रीति जी, और यहाँ पर बोधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बोधा आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, ये गलत हो गया, रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में व्याख्यात है, तो यहाँ पर पजनेश नहीं होंगे, पजनेश तो जो है रीति मुक्त के माने जाते हैं, रीति मुक्त के पूछा जाता, रीति मुक्त के माने जाते हैं,
यहाँ पर गलत रीति सिद्ध लिख गया है, तो ये गलत क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं दीपक जी, श्याम सनेही के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 49 में आप सभी का सही आंसर, श्याम सनेही रचना तो आलम की मानी जाती है, बोधा की रचना है। और यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बोधाकृत बृह बारिश किस प्रकार की रचना है? बृह बारिश आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किस प्रकार की रचना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। तो क्या है सही आंसर, बोधाकृत बृह बारिश किस प्रकार की रचना है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, और 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प, आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है 51 में विकल्प सी, वह आपका सही आंसर है प्रबंध काव्य, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रबंध काव्य होगा, सही आंसर सी वाला विकल्प है। बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति है कौन है ये आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। बताइएगा, क्वेश्चन यहां पर महत्वपूर्ण दिया गया है, और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा, बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति आप सभी के लिए एम एस वर्मा जी, हाँ कल्पना जी, जिया जी, ये जो बुक है ये बुक है उपकार की, बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति आप सभी के लिए चयन करना है 52 में। तो 52 में आप सभी का सही आंसर सुभान, आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सुभान है, यहाँ पर सही आंसर सुभान। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? गंगा अवतरण ये रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर पद्माकर भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी क्या होगा सही आंसर, गंगा अवतरण के रचनाकार 53 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, किनकी रचना मानी जाती है मोहित जी? हाँ तो आप सभी का सही आंसर है गंगा अवतरण के रचनाकार माने जाते हैं कौन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं इन्हीं की रचना गंगा अवतरण। वीर सतसई के रचनाकार कौन माने जाते हैं? वीर सतसई भारतेंदु वियोगी हरि या फिर बिहारी या फिर कृपाराम चंगन में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, वीर सतसई के रचनाकार कौन है बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग, लाइक करते जाइएगा वीडियो को सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर चंगन में सही आंसर वीर सतसई रचना जो है ये मानी जाती है किनकी, आप सभी का सही आंसर बिहारी यहाँ पर नहीं होंगे, वियोगी हरि होंगे सही आंसर, वियोगी हरि जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, वीर सतसई के रचनाकार माने जाते हैं वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी के लिए क्या करना है, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार जो है सम्मिलित करना है, 155 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर 155 में, 155 में आप सभी के लिए चयन करना है काल क्रमानुसार सही सम्मिलित करिएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। तो 55 में आप सभी का सही आंसर सबसे पहले कृपाराम, केशव, फिर सेनापति, फिर उनके बाद बिहारी, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है काल क्रमानुसार सही अनुक्रम यहाँ पर भी आप सभी के लिए चयन करना है 56 में, 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, यहाँ पर दिए सुधा निधि, काव्य निर्णय, रसायण और रसरहस्य ये ग्रंथ महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं, और 56 में आप सभी का सही आंसर है सबसे पहले सुधा निधि, रसरस, रसायण और काव्य निर्णय, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, डी के जी, बहुत बढ़िया डी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। 57 में भी आप सभी के लिए यहाँ पर कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम चयन करना है, 57 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जिसमें ललित ललाम सुधा निधि रस प्रबोध जाति विलास महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं, और आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा, और आप सभी का सही आंसर है
कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम चयन करना है क्वेश्चन नंबर 57 में, तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सुधानिधि, ललित ललाम, जाति विलास और रस प्रबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है नीलम जी, बहुत बढ़िया, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर कवियों को सम्मिलित करना है उनकी रचनाओं के साथ, क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पर कूट भी दिए गए, इनकी सहायता से सम्मिलित करना है, जैसे कि यहाँ पर केशव दास की रचना कौन सी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है रसिक प्रिया। मती राम की रचना कौन सी मानी जाती है, ललित ललाम। भूषण की रचना कौन सी मानी जाती है, तो भूषण की रचना मानी जाती है शिवा बाबनी। देव कवि की रचना कौन सी मानी जाती है, भाव विलास। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं, कूट आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प। यहाँ पर भी सम्मिलित करना, वीर सत्सई, बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका, बिहारी सवैया, इनको सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी जो है कोठेन की सहायता से बताना है, तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर 59 में वीर सत्सई के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो देखिएगा जो वीर सत्सई रचना है ये मानी जाती है वियोगी हरि की, अब भी पढ़ा था अपन ने वीर सत्सई वियोगी हरि। बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन है, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है, लल्लू जी लाल। और बिहारी सत्सई सॉरी बिहारी सवैया के रचनाकार कृष्ण कवि माने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, कूट में आप सभी का सही आंसर 59 में सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम यहाँ पर चयन करिएगा, रहीम, देव, पद्माकर, प्रताप शाही, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 60 में सही आंसर चयन करिएगा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कवि दिए गए हैं, कालक्रमानुसार सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 60 में, और 60 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर है, सबसे पहले तो रहीम आएंगे, उनके बाद देव, पद्माकर, प्रताप शाही। 160 में आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 161वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा युग्म असंगत है, रस विलास, देव कवि, या फिर व्यंगार्थ कुमुदी पद्माकर, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास, या फिर रस रहस्य रसराज सॉरी रसराज मतिराम। बताइएगा कौन सा युग्म असंगत, असंगत युग्म आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर 61वां क्वेश्चन दिया गया है और 61 में आप सभी का सही आंसर होगा व्यंगार्थ कुमुदी। व्यंग का क्या होता है, प्रताप होता है, प्रताप से प्रताप शाही की रचना मानी जाती है व्यंगार्थ कुमुदी। यहाँ पर भी असंगत युग्म बताने, भाषा भूषण, जसवंत सहे, ललित ललाम, मती राम, कवि कुल, कंठाभरण भूषण, या पद्माभरण पद्माकर। बताइए 62 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर कौन सा युग्म असंगत है, तो देखिएगा भाषा भूषण, जसवंत सहे सही है, ललित ललाम, मती राम की रचना ये भी सही है, कवि कुल कंठाभरण भूषण की रचना नहीं मानी जाती है, ये दूल्हे कवि जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, दूल्हे कवि की रचना है कवि कुल कंठाभरण। यहाँ पर भी आपके लिए असंगत बताना है, छंदमाला केशव दास, छंदसार मतीराम, और वृत्त विचार सुखदेव मिश्र, और छंदोलना पिंगल ब्रंद कवि संत कुमारी जी। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर, और आप सभी का सही आंसर कौन से युग्म असंगत है, 63 में चयन करना है, तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर है 63 में छंदोलना पिंगल ब्रंद कवि की रचना, ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि छंदोलना पिंगल किसकी रचना है, ये रचना मानी जाती है भिखारी दास, भिखारी दास जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है भिखारी दास, आप सभी का सही आंसर होंगे। इस प्रकार ये युग्म यहाँ पर गलत हो जाएगा, असंगत युग्म यहाँ पर भी चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपके लिए बताना, रसिक प्रिया बोधा की रचना है, सुधा निधि तोष कवि की रचना है, रस सारांश भिखारी दास, और रस प्रबोध रसलीन की रचना है। 164 में बताइए, 164 में आप सभी का सही आंसर है असंगत युग में पहचानना है, तो असंगत युग में यहाँ पर रसिक प्रिया बोधा की रचना नहीं मानी जाती, रसिक प्रिया तो किन की रचना है, केशव दास जी की रचना मानी जाती है, केशव दास आपका सही आंसर है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, काव्य कल्पद्रुम, सत्सई की टीका, रतन हजारा, और सिंगार लतिका, इनको कुट की सहायता से सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 65 में, तो देखिएगा काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सेनापति हैं।
सतसई की टीका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कृष्ण कवि हैं। और रतन हजारा की रचनाकार कौन माने जाते हैं? रतन हजारा रसनिधि की रचना मानी जाती है। सिंगाल लतिका की रचनाकार कौन है? सिंगाल लतिका दुजदेव की रचना मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपका सही आंसर 65 में बी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसको उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर ये पंक्तियां हैं, यहाँ पर रचनाकार हैं और यहाँ पर कूट हैं। कूट की सहायता से आप सभी के लिए पंक्तियों को सम्मिलित करना है। जैसे कि यहाँ पर पंक्ति दी गई है, क्या दी गई है कि राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? वे कालिदास है। कुंदन को रंग फीको लगे, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? कुंदन को रंग फीको लगे मतिराम की पंक्ति मानी जाती है। ये दारा की ना दौर की एहरारी नहीं खुजवे की, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? भूषण जी की पंक्ति मानी जाती है, भूषण। और बगन में बागन में बगरियो बसंत है, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? ये पंक्ति सेनापति की है। विकल्प इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। आपका विकल्प यहाँ पर कूट में जो सही आंसर होगा ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 66 में सही आंसर है। यहाँ पर भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर भी सम्मिलित करना है वैसे ही। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सम्मिलित वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलिए देखिएगा। देखिए दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छा है कि रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये पंक्ति मानी जाती है बिहारी जी की। किनकी? बिहारी। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? तो ये पंक्ति मानी जाती है ठाकुर की पंक्ति है। और अति सूदो सनेह को मारा गया है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? ये घनानंद की पंक्ति है। तुलसी गंग दो भाई सुखबिन के सरदार, और ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? तो ये भिखारी दास जी की पंक्ति मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? कूट में आप सभी का यहाँ पर 67 में बी वाला विकल्प सही आंसर था। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है, यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार सम्मिलित करना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, तो ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, ये घनानंद की पंक्ति मानी जाती है। घनानंद जाति जानी परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही, ये पंक्ति जो है किसकी पंक्ति है? ये बृंद कवि की पंक्ति होगी। और इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़ो सुम्ब पर, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? ये भूषण जी की पंक्ति मानी जाती है। नवरस सब संसार में नवरस में संसार, ये पंक्ति किनकी है? ये पंक्ति देव कवि की पंक्ति मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर आपका कूट में सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 68 में सी वाला विकल्प है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन पंक्तियां दिए गए हैं, उनके रचनाकार के अनुसार आपके लिए बताते जाना है कि कौन उसके रचनाकार हैं। काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देही देखी सुनी बहुलोकी की बातें, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 169 में चयन करना, चिंतामणि बिहारी या फिर कृष्ण कवि भिखारी दास, 169 में बताना है। काव्य की रीति सूखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोकी की बातें, ये पंक्ति किसकी है? तो आप सभी का यहाँ पर 69 में सही आंसर होगा, ये भिखारी दास जी की पंक्ति मानी जाती है। किनकी है? भिखारी दास। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, थोड़े थोड़े क्रमते कहीं अलंकार की रीति। क्वेश्चन नंबर 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दूल्हे कवि देव कवि लाल कवि बृंद कवि, 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। थोड़े क्रम क्रमते कहीं अलंकार की रीति, ये आज का आपका चैलेंज प्रश्न होगा जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है, ये किन की पंक्ति मानी जाती है? चैलेंज प्रश्न है। रंगली जो क्लास 10 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी, कल से आपकी सभी क्लास हैं। देखिएगा सुबह 9:10 पर क्लास होगी, उसके बाद आपकी एक क्लास जो है शाम को 4 बजे होगी, कल 4 बजे, 4 बजे के बाद रात्रि में 9 बजे भी क्लास होगी, 9 बजे के बाद रात्रि में 10 बजे भी होगी। आज 10 बजे जो है क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज ही हम अभी जो है अभी क्लास के पहले ही गांव से आए और उसके बाद क्लास करना शुरू कर दिए।
थोड़ी सा थक गए हैं, इस कारण 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी। इसके बाद जो है आगे की कल से अपनी पूरी निरंतर क्लासें चलेंगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी के लिए रोज जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पारू जी, मोहित जी, रूपम जी और राधे, कृष्णा जी, के एम, शालिनी जी और दिनेश जी, दीपक जी, सपना जी, अनीता जी और दिनेश जी, डीके जी, कंचन जी, मोहित जी, कृष्णा जी, सतीश जी, कुमुद जी, कीर्ति जी, हिंदी साहित्य, MS वर्मा जी, रवि जी, रीता जी और अनुपम जी, कल्पना जी, वंदना जी, नीरू जी, अंश जी और नीलम जी, भावना जी, जिया यादव जी, प्रमोद जी, संजू जी, बीनू जी, रतिपाल जी, रविशंकर जी, रपिंका जी और अर्चना जी, प्रेम शंकर जी, अनंत जी, नामवर जी, राहुल जी, मेनका जी, डीके जी, कुमुद जी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है लिंक के, कुमुद जी देख लिया करें, थोड़ी सा आगे पीछे हो जाता होगा। और प्रमोद जी, राजीव जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी, बागेश्वर धाम, संसु जी, अर्चना लोधी जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।